गाइस वेलकम टू माय चैनल दैट्स काला गलम। मैं हूं कांक्षा। आज की इस वीडियो में मैं अपना 2 महीने का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूं एक्सेस वाई के डार्क स्पॉट करेक्टिंग ग्लो सीरम के साथ, जो कि आपको इस टाइप के पैक में मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये छोटा वाला पैक है। वैसे आप चाहें तो इसका बड़ा वाला पैक भी ले सकते हैं, आपको अमेजोन, नाकरॉन, मिंत्रा बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा। लेकिन मैंने ये जो छोटा वाला पैक है वो इसलिए लिया था क्योंकि बड़ा वाला पैक जो मैंने उसका मिनिमम भी प्राइस देखा वो मुझे मिनिमम ऑफर के चलते 1200+ रुपीज में मिल रहा था, और मैं श्योर नहीं थी कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए काम करेगा या नहीं करेगा। तो मैक्रॉन पे मुझे एक्सेस वाई की किट दिखाई दी जिसमें 4 प्रोडक्ट थे, एक इनका जेल क्लेंजर, देन टोनर, सीरम और ये वाला स्पॉट करेक्टिंग सीरम। तो इसीलिए मैंने वाली किट ले ली क्योंकि उसका प्राइस था सिर्फ उसे 650 रुपीज। तो मैंने 2 किट ली वो वाली, क्योंकि वो किट में जो बाकी भी जो प्रोडक्ट हैं वो मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और वो जो छोटे वाली किट है उसमें सारे के सारे ट्रेवल साइज प्रोडक्ट हैं। तो कहीं पर भी मैं बाहर जाती हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ वो छोटे वाले पैक लेके जाना। बट एनीवे, ये जो क्वांटिटी है 5 ml ये मेरे लिए करीब 1 महीना लास्ट कर जाती है। तो इसीलिए पिछले 2 महीने से मैं इसे यूज कर रही हूँ, क्योंकि पिछले 2 महीने में मैं 2 बार ये एक्सेस वाई की किट ले चुकी हूँ। मैं इस प्रोडक्ट को सिर्फ और सिर्फ स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह यूज करते हुए आई हूँ। तो अगर आप इसे पूरे फेस पे लगाएंगे तो आई गेस ये 5 ml क्वांटिटी जो आपकी है वो 10-15 डेज लास्ट करेगी। वो भी इसलिए क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाती है। बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट लगता है आपके काफी बड़े एरिया को, मुझे कहना चाहिए, कवर करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये जो प्रोडक्ट है ये आपको इस टाइप की कंसिस्टेंसी में मिलता है। मैंने इसे एक बार अपने पूरे फेस पे भी लगाया था, और पूरे फेस पे लगाने के बाद भी मुझे किसी भी टाइप का इशू फेस नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत थोड़ी सी ही क्वांटिटी आपके पूरे फेस को कवर करने के लिए इनफ हो जाती है, और इसके साथ साथ ये काफी अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। बट मैं रात में इसे यूज करती थी अपने नाइट स्किन केयर रूटीन के लास्ट पार्ट की तरह। तो ये जो प्रोडक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया 5 ml क्वांटिटी, अगर आप इसे डेली रात में यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह, तो मेरी पर्सनली ये पूरे 2 महीने 1 महीने लास्ट कर गई है। तो 2 महीने में मैं आपको यही कहूंगी कि मैंने पर्सनली इसके काफी अच्छे रिजल्ट ऑब्जर्व किए हैं अपने डार्क स्पॉट्स में। तो इन जनरल अगर मैं कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट अपने स्पॉट्स को ना दूं, सिर्फ और सिर्फ सही स्किन केयर रूटीन फॉलो करो जिसमें विटामिन सी आता है, सनस्क्रीन आता है, और वीकली मैं अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करती हूँ, और वीक में कम से कम भी एक बार मैं अपने चेहरे पे शीट मास्क भी अप्लाई करती हूँ, तो उस अगर इतना मैं करूँ तो जो डार्क स्पॉट है उसे जाने में कम से कम भी 5 महीने लग जाते हैं कंप्लीट जाने में। तो लेकिन जब मैंने इस सीरम को अपने डार्क स्पॉट पे लगाना शुरू किया एक्ने के मार्क्स को रिड्यूस करने के लिए, तो मैंने देखा कंप्लीट मेरे चेहरे से वो जो मार्क्स थे वो विद इन 2 मंथ गायब हो गए। तो इस प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट में जाने से पहले यहाँ पे आप लाइव क्लिप्स देख सकते हैं, मुझे लगता है आप उसकी ज्यादा वेट कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपने लाइव क्लिप्स में देखा कि विद इन 2 मंथ इस प्रोडक्ट को सिर्फ स्पॉट ट्रीटमेंट में की तरह यूज करने के बाद जो मेरे डार्क स्पॉट थे जो जनरली 5 से 6 महीने के बाद जाते थे वो 2 मंथ्स में कम्प्लीटली रिमूव हो गए, और आप एक हल्का सा ब्राइटनिंग इफेक्ट भी मेरे चेहरे में ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। ये जो ब्राइटनिंग इफेक्ट है ये मैं ये नहीं कहूंगी इस प्रोडक्ट की वजह से है, ये जो ब्राइटनिंग इफेक्ट है ये मैंने मोस्टली ऑब्जर्व किया है नब्जिन का नंबर 3 टोनर एंड नमजिन का नंबर 2 जो कॉलेजन पुडिंग है उसे अप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी इस प्रोडक्ट में ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट है जो आपकी हेल्प करते हैं
आपके डार्क स्पॉट्स को फेड करने के लिए। तो सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट है इसमें वो है 5% नासेनमाइड। नासेनमाइड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत वर्सेटाइल है, ये हम सबको पता है। जैसे कि ये डार्क स्पॉट्स को तो फेड करता है, इसके साथ साथ अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है उसे भी ये इम्प्रूव करता है, उसे मिनिमाइज करने में आपकी हेल्प करता है, स्किन बैरियर्स को रिपेयर करता है, और इसके अलावा भी ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है। अगर आपको पिगमेंटेशन या फिर अनइवन स्किन टोन के साइन है तो उसे भी ये ब्राइटन अप करता है। लेकिन नासेनमाइड की एक मुझे कहना चाहिए प्रॉब्लमेटिक फीचर ये भी है कि मुझे पर्सनली सारी ब्रांड के नासेनमाइड सूट नहीं करते, तो इसीलिए मैं बहुत डरते डरते ही नासेनमाइड सीरम अपने एंटायर फेस पे लगा पाती हूँ। जैसे कि डॉट एंड की का है नासेनमाइड, उससे मुझे एक्ने की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मुझे पर्सनली सिर्फ और सिर्फ मिनिमलिस्ट एंड द ऑर्डिनरी का ही नासेनमाइड सीरम सूट किया है। और अगर आपको कोई भी अच्छा नासेनमाइड सीरम मिलता है तो वो एक्चुअली में ये सारे के सारे काम करता है, यानी कि अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है उसे फेड आउट करता है, और इसके साथ साथ आपके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप करने में भी आपकी हेल्प करता है। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसने मेरे लिए वो सारे के सारे काम किए हैं। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप ये वाला सीरम ट्राई कर सकते हैं, बट मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि ये एक मस्ट प्रोडक्ट है पिगमेंटेशन या फिर जो आपके डार्क स्पॉट्स हैं उसे रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसके अलावा अगर आपको डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है तो आप ट्रांजामिक एसिड या फिर किसी और ब्रांड का जैसे कि द ऑर्डिनरी का है ना, वो भी आप 10% नासेनमाइड सीरम यूज कर सकते हैं, एंटायर फेस पे भी यूज कर सकते हैं और स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो नासेनमाइड ही है, इसके अलावा इसमें बहुत सारी तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स डाले गए हैं। ये जो प्रोडक्ट है वो वीगन है, तो इसमें जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो प्लांट डेराइव्ड हैं। जैसे कि इसमें आपको पपाया एक्सट्रैक्ट मिल रहा है, इसमें राइस एक्सट्रैक्ट है, इसके अलावा इसमें एसेरोला चेरी है, कैलेंडुला है, आर्जिनाइन है जो कि अमीनो एसिड होता है, ग्लूटाथायोन है, रोजमेरी ऑयल है। तो इसकी जो कंपोजिशन है वो वाकई में बहुत ज़्यादा सूदिंग और कामिंग है। इसे आपको किसी भी टाइप की इरिटेशन फेस नहीं करनी पड़ेगी, एटलीस्ट मैंने मेरी स्किन पे, सेंसिटिव स्किन पे इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद किसी भी टाइप का इशू आसपास के एरिया में ऑब्जर्व नहीं किया। तो ये जो प्रोडक्ट है इसने मेरे लिए बहुत अच्छे से काम किया है, बहुत ही अच्छे से ये आपकी स्किन को सूद करता है, काम करता है। अगर आपको इरिटेशन वगैरह के साइन है तो उसे भी काम डाउन करने में आपकी हेल्प करता है। इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद मैंने अपनी एक्ने प्रोन स्किन में कोई भी नया ब्रेकआउट ऑब्जर्व नहीं किया। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अगर आपको एक्ने है तो उसे सप्रेस करने में ये आपकी हेल्प नहीं करता, बट ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए कम्प्लीटली सूटेबल है। तो मेरा जो लास्ट वर्ड होंगे वो यही होंगे कि अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है और अगर आप एक बार इस प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मस्ट हैव प्रोडक्ट में से ये नहीं है, लेकिन बहुत ही अमेजिंग सी इसकी कंपोजिशन है। फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट है, किसी भी टाइप का कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है। आप चाहें तो लेकिन इस प्रोडक्ट से पहले द ऑर्डिनरी के नासेनमाइड सीरम को एक चांस दे सकते हैं, तो उसमें आपको क्वांटिटी भी ज़्यादा मिलती है, लेकिन हाँ वो थोड़ा सा स्टिकी है। ये जो प्रोडक्ट है इसमें स्टिकीनेस या फिर इस टाइप का कोई भी इशू मैंने फेस नहीं किया, वो थोड़ा सा स्टिकी है। उसके साथ साथ उसमें 10% नासेनमाइड की कॉन्सेंट्रेशन है क्योंकि इसमें सिर्फ 5% है, तो 5% नासेनमाइड सूट करना ज़्यादा पॉसिबल है सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। तो यह मुझे उम्मीद है मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे आप लाइक कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे लोगों तक पहुँच पाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं, मैं इसी टाइप के ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करते रहती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, सी यू, बाय बाय।